जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहां पे बहुत बढ़िया हूं। आज हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं, वो केस का नाम है मैंगलोर रिफाइनरी। मैंगलोर रिफाइनरी कंपनी का ये केस है। केस में हुआ क्या था जरा समझना। मैंगलोर रिफाइनरी कंपनी ने कुछ ऑयल इम्पोर्ट किया था, मान लेते हैं 1 लाख लीटर ऑयल इम्पोर्ट किया, और इनवॉइस जो बनाया गया था वो 1 लाख लीटर के हिसाब से बना हुआ था। गुड्स इंपोर्ट होने के बाद में उस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह चार्ज होती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कस्टम्स ड्यूटी जब लगाई जा रही थी तो उस केस में एक सिचुएशन सामने आ गई, और सिचुएशन क्या थी कि जो ऑयल है तो जो 98,000 ही था, तो बाकी का 2,000 क्या हो गया, 2,000 लीटर का हो गया नेचुरल लॉस। अब ये जो नेचुरल लॉस हुआ 2,000 का, उस केस में क्या होगा? क्या वो नेचुरल लॉस पे भी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? क्योंकि इनवॉइस में लिखा 1 लाख लीटर और वैल्यू लिखी 1 लाख लीटर के हिसाब से, मिला 98,000 ही है। अब ड्यूटी जो है 98,000 के हिसाब से पे की जाएगी या 1 लाख लीटर के हिसाब से? क्या इनवॉइस की जो पूरी वैल्यू है उस पर ड्यूटी लगेगी या प्रोपोर्शनेट वैल्यू कम की जाएगी? ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस केस के अंदर। केस बहुत ही बढ़िया है, केस को आप एंजॉय कीजिए। प्रणाम भैया। हाँ, खुश रहो, खुश रहो भाई। छोटे, मैं क्या बोलता हूँ तुझे, सबसे पहले तो तेरे डिपार्टमेंट को समझा और डिपार्टमेंट लोग इस केस से दूर रहो। मेरा क्लाइंट सही है, 98,000 लीटर पे ही हम कस्टम्स ड्यूटी पे करने वाले हैं, उससे ज्यादा पे नहीं पे करेंगे, तो प्लीज इस केस से तुम दूर रहो। अरे भैया, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी आपके क्लाइंट के साथ में। आप तो ऐसे बात करो जैसे हम उसके पीछे हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पड़े हुए हैं। देखो भैया, बात क्या है कि जो 98,000 लीटर वो लेकर के आया, हम उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। जो शिपिंग बिल में अमाउंट लिखा हुआ ड्यूटी, उस पर चार्ज होनी चाहिए। शिपिंग बिल के अंदर 1 लाख लीटर क्वांटिटी लिखी हुई है, हम उसी पर ड्यूटी चार्ज करेंगे। भैया क्या गलत किया? छोटे एक बात बता, कस्टम्स ड्यूटी किस पे लगती है? वेरी सिंपल, कस्टम्स एक्ट में कोई भी गुड्स हम जब इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी चार्ज होती है। जो भी गुड्स इंपोर्ट हुआ उस पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगी। तो मुझे ये बता, इंपोर्टेड गुड्स का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट की डेफिनेशन वेरी सिंपल, कोई भी गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है, 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करता, मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर होता है, तब इंपोर्ट प्रोसीजर शुरू होता है। और जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में गुड्स आया है उसको हम इंपोर्टेड गुड्स बोलते हैं और उस पर ड्यूटी चार्ज करेंगे। ये तेरे हिसाब से बताई हुई डेफिनेशन है। अब जरा सुन मेरी बात को, तुम बोलते हो कि जो भी गुड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर होता है वो इंपोर्टेड गुड्स होता है, उसको इंपोर्ट माना जाता है, उसी पे कस्टम्स ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए, राइट? तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, 1 लाख लीटर कहां से इंपोर्ट हो गया? 1 लाख लीटर इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर ही नहीं हुआ, क्योंकि 2,000 लीटर तो नॉर्मल लॉस हो गया, तो 98,000 लीटर अगर आया है इंडिया में तो उस पर ड्यूटी चार्ज होनी चाहिए। ये तो पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर टू, इधर देखो, पॉइंट नंबर टू तुम्हारा क्या कहता है? अगर आपने सेक्शन 13 पढ़ा है तो सेक्शन 13 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स पिलफोर्ड गुड्स है, जो गुड्स चोरी हो गया, मतलब जो एसएससी को नहीं मिला, जो इंपोर्टर को नहीं मिला, उन पर कभी भी कस्टम्स ड्यूटी चार्ज नहीं हो सकती है। सेक्शन नंबर 23 ये बोलता है कस्टम्स एक्ट 1962 का कि कोई भी गुड्स अगर आप इंपोर्ट करके लेके आते हैं होम कंजम्पशन के लिए रिमूव करने से पहले, अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस हो जाए, उसका लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और या फिर कमिश्नर के फेवर में ट्रांसफर कर दो, मतलब होम कंजम्पशन के लिए ना लेकर के जाते हो आप, तो उस केस में उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। उसके अलावा कस्टम्स एक्ट का एक सेक्शन 47 भी है जो ये बोलता है कि कस्टम्स ड्यूटी उसी क्वांटिटी पे या कस्टम्स ड्यूटी उसी पे चार्ज होगी जो प्रोडक्ट आप होम कंजम्पशन के लिए लेकर के जा रहे हो। तो यहां पर हम 1 लाख लीटर होम कंजम्पशन के लिए लेकर के नहीं जा रहे हैं छोटे, हम 98,000 जो लीटर है वो होम कंजम्पशन के लिए लेकर के जा रहे, तो ड्यूटी 98,000 लीटर पे चार्ज होनी चाहिए। ओके ओके ओके, समझा समझा भैया, ये तो अब कंफर्म हमको हमारी गलती समझ में आ गई। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी। डेफिनेटली आपका क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट में केस जीतेगा और ड्यूटी 98,000 लीटर पे ही चार्ज होनी चाहिए। मैं समझ गया भैया, थैंक यू वेरी मच मेरी आंखें खुलने के लिए। डेफिनेटली आपका क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट में जीतेगा, आना भी चाहिए। ये केस हम जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे क्लाइंट के हक में आएगा। जरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाती है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इस कंपनी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसका फैसला कंपनी के हक में आया, और ये डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, यह जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ड्यूटी सिर्फ जो क्वांटिटी कंपनी को मिली है उसी पे चार्ज होगी, इंपोर्टर को जो मिली है उसी पे चार्ज होगी, मतलब 98,000 लीटर पे।
दोस्तों यहां पर ये जो फिगर हमने 1,98,000 लीटर लिए, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल था इस केस को आपको समझाने के लिए। नाउ जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन 23 का रेफरेंस लिया गया, सेक्शन 13 का रेफरेंस लिया गया, और ये सारे रेफरेंस लेने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि भाई कोई भी अगर लॉस होता है, नेचुरल लॉस होता है, तो उस पर ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी इंपोर्टर के नहीं होती है। तो प्रोपोर्शनेट जो वैल्यू कम हुई है, जितना गुड्स इवोपरेट हो गया उसकी वैल्यू कम की जाएगी और बाकी की वैल्यू पर ही ड्यूटी लगेगी। इन शॉर्ट जो नेचुरल लॉस है उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये केस आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही केस और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।